तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटास्टिक डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिग बैश लीग की नॉकआउट मैच की बात करने वाले हैं, जो कि होगा यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में। ये मुकाबला काफी इंपॉर्टेंस होने वाला है, क्योंकि यहां से जो जीतेगा वो सीधा सिडनी सिक्सर्स के साथ फाइनल में खेलेगा। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर नजर कर लेते हैं और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, बात करें इस मैच की तो एमएस दोपहर 2:10 पर करारा ओवल करारा में खेला जाएगा। जहां पर पिच रिपोर्ट की बात करूं तो पिच रिपोर्ट यहां पर वैसे न्यूट्रल और बैलेंस रहती है। यहां पर रन से ना एवरेज बनेंगे, मतलब 130 से 150 के आसपास यहां पर एवरेज स्कोर बनते हुए नजर आ सकते हैं। चेजिंग रिकॉर्ड की बात की जाए तो यहां पर 11 में से 7 मुकाबले यहां पर चेजिंग करने वाली टीम ने जीती, 4 मुकाबले सिर्फ यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती। तो कहीं ना कहीं यहां पर चेजिंग करने वाली टीम को थोड़ा सा एडवांटेज जरूर रहेगा। अभी देखो, बात करें यहाँ पर विकेट्स की तो विकेट्स के लिए यहाँ पर स्पिनर्स को एडवांटेज थोड़ा सा कम रहेगा। 11 मैचेस की बात की जाए तो 109 विकेट यहाँ पर पेसर्स को मिला है, 30 विकेट स्पिनर्स को मिला है। लास्ट मैच की बात करें तो 17 विकेट यहाँ पर पेसर्स ने निकाली, सिर्फ 1 विकेट यहाँ पर स्पिनर्स को मिली थी। देखो, ये जो ब्रिस्बेन हीट के लिए ये होम ग्राउंड होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो जो यहाँ पे आंकड़े हैं ना, वो इतने अच्छे नहीं है। आई थिंक बहुत ही बेकार आंकड़े हैं। और बात करें लास्ट मैच की तो लास्ट मैच भी ब्रिस्बेन हीट सिडनी सिक्सर्स से हार के आई थी यहाँ पर एलिमिनेटर राउंड के अंदर। और बात करें एडिलेड स्ट्राइकर्स की तो स्ट्राइकर्स लास्ट मैच जीत के आ रही, तो पॉजिटिव एनर्जी आकर कहीं ना कहीं स्ट्राइकर्स के पास है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जीतने के वैसे मैक्सिमम चांसेस बोल नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एडिलेड स्ट्राइकर अच्छी यहाँ पर फाइट दे सकती है ब्रिस्बेन हीट को। हिट टू हिट रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों के यहाँ पर आंकड़े सही है, मतलब 18 में से 9 मुकाबले दोनों ही मैच के दोनों ही टीम ने जीती है। ब्रिस्बेन हीट की बात करते हैं तो 11 में से 7 मुकाबले जीते हैं, 2 मैच हारे थे और 2 मैच उनके अबैंडनड हुए थे। ओपनिंग में जिमी पियर्सन, जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मैंने आपको पहले बताया था ये बंदा ओपनिंग करवाता है तो अच्छा खेलता है। पहली मैच के अंदर 42 की और लास्ट मैच के अंदर 26 की है। फिर बात आती है ऐसे जॉस ब्राउन की, जो कि यहाँ पर कंसिस्टेंट ओपनिंग करवा रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन 39 और 43 जैसे 2 स्कोर किए थे, इसके अलावा भी सेकंड लास्ट मैच में 29 रन किए थे, कर सकते हैं भरोसा क्योंकि टॉप में खेल रहा है। नथन मैकसवानी, जिन्होंने एक बार यहाँ पर 73 रन की पारी खेली थी, इसके साथ यहाँ पर मैट रैंसो, जिन्होंने एक बार यहाँ से 49 रन की पारी खेली थी। तो देखो, जॉस ब्राउन, नथन मैकसवानी और मैट रैंसो, इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं रहा, लेकिन बड़ी मैच का बड़ा नाम मैं बोलूँ तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर मैट रैंसो के ऊपर यहाँ पर भरोसा है, क्योंकि बड़ी मैच के अंदर हमेशा चलता है। हालांकि लास्ट मैच के अंदर नहीं चले, वो भी एक बड़ी मैच थी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे लिए रिस्की पिक बनेंगे मैट रैंसो, बाकी सेफ पिक यहाँ से आपके लिए जॉस ब्राउन रहेंगे। मैकसवेनी को बहुत ज्यादा रिस्की करो, जेल में ट्राई करेंगे। सेम चीज ऐसे मैक्स ब्राइट, ब्राइट का क्या है ना कि मिडल्स में जब भी खेलते हैं ना तब इतना अच्छा एडवांटेज नहीं देता, क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम टाइम ये ओपनिंग में खेलते हैं, तो जब भी ये टॉप में खेलते हैं तब यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, नीचे खेलेंगे तो इतना अच्छा एडवांटेज कि इनसे उम्मीद नहीं रहेगी। पॉल वॉटर, जो कि एज अ प्लेयर के साथ कप्तान और वाइस कैप्टनशिप की बेस्ट विक रहने वाली है, इसके साथ यहाँ पर मिचेल नसेर वेरी इंपॉर्टेंट पिक, और पिछले कुछ मैचेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप लोग इनको कप्तान वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि पिछले 3 मैच की बात करूँ तो बंदे ने 7 विकेट निकाली है, कहीं ना कहीं जहाँ से गजब का परफॉर्मेंस देता है, हर मैच के ना से 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी करता हुआ दिखेगा। आगे बात करते हैं भाई बार्टलेट की, कंसिस्टेंट रहा है पूरी टूर्नामेंट के अंदर, एक भी मैच ऐसी नहीं जहाँ पर इस भाई साहब को विकेट ना मिले, कहीं ना किसी भी पिच के ऊपर किसी भी कंडीशन में अंदर यहाँ पर विकेट निकालना जानता है, स्टार्टिंग में डेथ में ओवर्स करवा लेता है। तो यहाँ पर जेवियर बार्टलेट वेरी इंपॉर्टेंट पिक। फिर बात आती है यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन की, ये भी कंसिस्टेंट है। तो गेंदबाजी सेक्शन देखो ब्रिस्बेन का अच्छा है, इसके अलावा से स्वीपसन, जिनका शुरुआत यहाँ से तगड़ा रहा था, पिछले 3 मैच के अंदर ये बंदा विकेट ले रहा है, लेकिन ओवर्स हर मैच के अंदर पूरी करवा रहा है, ध्यान में रखिएगा यहाँ से मिचेल स्वीपसन को। कुनियमन को आई थिंक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, कुनियमन और स्वीपसन दोनों यहाँ पर लेग ब्रेक गेंदबाज है, मतलब कहीं ना कहीं स्पिनर्स स्पिनिंग गेंदबाजी करवाते हैं, तो स्पिनर्स के लिए इतना अच्छा एडवांटेज नहीं, लास्ट मैच के अंदर भी हमने देखा था। तो हमारा फोकस रहेगा ऐसे स्पेंसर जॉनसन, जेवियर बार्टलेट और इनके साथ यहाँ पर मिचेल नसेर, स्टार्टिंग में यहाँ पर नसेर के साथ बार्टलेट है, डेथ हाउस में यहाँ पर पॉल वॉटर और स्पेंसर जॉनसन है। इसके अलावा बेंच में से कोई भी बदलाव होते तो इसके अपडेट मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, उसी लिंक से ज्वाइन करना है आपको, भूलना नहीं है। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 11 मुकाबले खेले जहां से 6 जीती है, 4 हारी, 1 मैच अबैंडनड रहा, इनका भी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। ओपनिंग में 2 भाई आते हैं अपन, डैशी शॉट और मैथ्यू शॉट, दोनों यहां पर तगड़ा खेलते हैं, शुरुआत यहां पर डैशी शॉट ने जबरदस्त की, हालांकि पिछली 3-4 मैचेस के अंदर भाई सब ने कुछ किया नहीं, हाई स्कोर पिछली 4 मैच की बात करूं तो हाई स्कोर इनका 20 रन कर रहा है, इसके पहले एक बार ऐसे 24 किए थे। हालांकि बैटिंग से सिर्फ 2 ही बार बड़े परफॉर्मेंस दिए इन्होंने, 66 और 54, लेकिन ओवर से भी इनसे एक्सेप्टेशन रहेगी। आप लोग अगर रिस्क ले सकते हो तो डैशी शॉट को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक रिस्की रहेगा इनको ड्रॉप करना। बाकी बात करें हम लोग यहाँ पर मैथ्यू शॉट, जो कि एज अ प्लेयर के साथ कप्तान और वाइस कैप्टनशिप की सेफ पिक है, तो इनको तो एज अ प्लेयर लेके जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। फिर बात आती है पर जैक वेडरलैंड की, जो कि पिछले 3 मैच के अंदर भाई साहब ने गजब का परफॉर्मेंस दिया, 80
47 और 56, यानी कि शुरुआत जब की थी पर शुरुआत की तीन मैच का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन जब से ये लौटे हैं, क्योंकि बीच में कुछ मैचेस नहीं खेले थे, और तब से भाई साहब का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है, और अभी ये जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस, इनको एज ए प्लेयर हम लोग लेके जाएंगे। फिर आपके लिए रिस्की पिक बनेंगे थॉमस केली, जो कि यहाँ पर चौथे नंबर पर खेलते हैं, हालांकि इनके पास यहाँ पर काबिलियत है और अच्छी मैच के अंदर खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि रिसेंटली फॉर्म की बात करूँ तो इतना अच्छा नहीं, जैसे तीन बार तो इनकी बैटिंग भी नहीं आई है। नेल्सन को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर पेयर्सन चॉइस है। इसके अलावा ऐसे मनेटी काफी अच्छे प्लेयर है, इस प्लेयर के ऊपर अगर आप लोग रिस्क ले सकते हो तो इनको ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि इनका रिसेंटली अगर बॉलिंग से परफॉर्मेंस देखे इस टूर्नामेंट से पहले, बिग बेस्ट लीग से पहले अगर देखेंगे तो ऐसे हर मैच के अंदर भाई साहब ने यहाँ पर विकेट निकाली हुई है, तो रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बजली इतने अच्छे फॉर्म में नहीं, तो इनको भी लेके जाना काफी रिस्की रहेगा, लेकिन हेनरी थॉर्नटन जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है, हर मैच के अंदर ऐसे आपको एक आधी विकेट निकाल के देगा। इनका बीबीएल करियर अगर आप लोग देखो तो 19 मैच के अंदर 34 विकेट निकाली है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ यहाँ पर डेविड वाइनी की बात करते हैं, जो कि हर मैच के अंदर यहाँ से ओवर्स पूरी करवा रहे हैं। विकेट्स की बात करें तो तीन मैच के अंदर विकेट ले सर, बाकी ज्यादातर मैचेस के अंदर इन्होंने विकेट्स निकाले, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी भी कंडीशन के अंदर विकेट्स निकालना चाहते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर लॉर्ड पॉप, जो कि लास्ट मैच के अंदर चार विकेट निकाले, इसके पहले भी चार विकेट निकाले थे, तो कहीं ना कहीं ये भाई साहब जिस तरह से फॉर्म में, इनको छोड़ के नहीं जा सकते। हालांकि स्पिनर्स के लिए इतना अच्छा एडवांटेज नहीं है, तो आप लोग चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ये भाई साहब किसी भी कंडीशन में आई थिंक विकेट निकालेंगे, जिस तरह से इनका रिसेंटली फॉर्म रहा है आई थिंक ये भाई साहब यहाँ से विकेट्स निकाल सकते हैं। कैमरून बॉयसे भी यहाँ पर अच्छे फॉर्म में, लेकिन ये भी एक लेग ब्रेक गेंदबाज है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों देखो किसी भी कंडीशन में, मतलब हर मैच के अंदर विकेट्स निकाले ये भाई साहब दोनों ही ने, यहाँ पर लॉर्ड पॉप और यहाँ से कैमरून बॉयसे, तो इन दोनों में से किसी एक को या फिर हो सके तो दोनों को ले सकते हो। स्टार्टिंग में आएंगे यहाँ पर डेविड पाइने के साथ मैथ्यू शॉर्ट, डेथ वॉस में यहाँ पर कैमरून बॉयसे के साथ यहाँ पर लॉर्ड पॉप डेथ में डाले थे, ये लास्ट मैच का नहीं, इसके पहले वाली मैच का आंकड़ा है। यहाँ से बेंच की बात की जाए तो बेंच में से कोई भी प्लेयर या फिर कोई भी बदलाव वगैरह रहेंगे तो वो मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी डेमो फैंटासी टीम कौन सी हो सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखो बात करें टीम की, तो यहाँ पर देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे लिए सेफ पिक है पर जिमी पियर्सन, इनको ही लेके जाएंगे, क्योंकि नेल्सन काफी नीचे गए थे, ज्यादातर इनकी बैटिंग नहीं आती, तो जो बहुत ज्यादा रिस्की टीम बनाते हैं ना, वन साइडेड लॉस वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो लोग यहाँ पर नेल्सन को ट्राई कर सकते, बाकी स्मॉल लीग के लिए पियर्सन से बेटर चॉइस नहीं मिलेगी। बैटिंग सेक्शन देखो दार्सी शॉट इतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बड़ी मैच है तो इनको छोड़ना एक बहुत बड़ा रिस्क है। बाकी यहाँ पर जैक वेदरलैंड, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ऐसे मैं आज की मैच के लिए स्पेशली यहाँ पर रेंचो के ऊपर रिस्क ले सकता हूँ, बाकी जरूरत हमें सिर्फ जैक वेदरलैंड की, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में और बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर अच्छा एडवांटेज है, और वैसे भी आज विकेट गिर सकते, तो मैं यहाँ पर दो प्लेयर को ले रहा हूँ, दार्सी शॉट और वेदरलैंड। इसके अलावा इससे बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो जहाँ से मैथ्यू शॉट, मिचेल नसेर, पॉल वॉटर, इनके साथ आई थिंक वही रहेंगे, तीन प्लेयर रहेंगे। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो जेबेर बार्टलेट है, इनके साथ यहाँ पर हमारी टीम के अंदर लॉर्ड पॉप, हेनरी थॉर्नटन, इन तीनों प्लेयर को हमने लिया है। इसके अलावा देखो चॉइस की बात की जाए, स्पेंसर जॉनसन, डेविड पाइने, मिचेल स्विप्सन, तो हम लोग यहाँ से जॉनसन के साथ जा रहे हैं, स्पेंसर जॉनसन, या फिर आप लोग कैमरून बॉयसे को भी ले सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को ले लीजिएगा, तो ओके चलो दोनों को ले लेते हैं। तो ये कुछ टीम बनती है हमारी, कप्तान हमारे रहेंगे पॉल वॉटर को ही हम लोग कप्तान करेंगे, जो कि सेफ रहेंगे, बाकी मैथ्यू शॉट कप्तान हैं और पॉल वॉटर हमारी वाइस कप्तान रहेंगे, तो ये कुछ टीम रहेगी। बाकी ध्यान में रखिएगा इसमें कुछ बदलाव वगैरह रहेंगे, तो फाइनल जो भी टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दी जाएगी, टेलीग्राम से जुड़िएगा भाई, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखो, अच्छे से एनालिसिस करो, सारे प्लेयर्स के बारे में डिटेल से समझो, कुछ चीज़ें और कुछ लॉजिकली इनलॉजिकली चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर की है, तो आप लोग अच्छे से समझो, वीडियो को देखो, और बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।